तेजस्वी के बाहर के बॉयफ्रेंड का उठा मुद्दा। तेजस्वी से करण ने पूछा सवाल। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 15 जैसे जैसे फिनाले के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे शो में रोमांचक मोड़ आ रहा है। राखी ने तेजस्वी और करण के चिपका चिपकी पर सवाल उठाया, जिसके बाद तेजस्वी ने राखी से पूछा कि देवोलीना और प्रतीक जब एक दूसरे के करीब होते हैं तो कोई सवाल नहीं करता। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने यह भी कहा कि देवोलीना का बाहर तो बॉयफ्रेंड भी है और फिर भी वो प्रतीक के साथ यहाँ चिपकती हुई नजर आती है। अब इस मुद्दे में देवोलीना ने भी एंट्री मारी और देवोलीना ने यह कहा कि हमने तेजस्वी के बारे में भी सुना है कि तेजस्वी का भी घर के बाहर बॉयफ्रेंड है और वो फिर करण कुंद्रा के साथ रिलेशनशिप में क्यों है। देवोलीना ने यह कहा कि मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब तुमने मेरे व्यक्तिगत जीवन पर सवाल उठाया है इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि किसी के भी व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी घर के भीतर नहीं करनी चाहिए। देवोलीना ने यह भी कहा कि वो प्रतीक को पसंद करती हैं। इसी विषय पर दोनों की बहस भी हुई और जब ये बात करण तक पहुंची तब करण ने तेजस्वी से पूछा देवोलीना किसके बारे में बात कर रही थी। तब तेजस्वी ने बताया कि वो खुद भी नहीं जानती क्योंकि देवोलीना ने उनके बॉयफ्रेंड का नाम नहीं बताया। ये मुद्दा घूम फिर कर प्रतीक पर भी पहुंचा। तब प्रतीक ने राखी को कहा कि तुम्हें यहाँ सबकी मम्मी बनने की जरूरत नहीं है, जिसकी चाहे जो मर्जी हो वो करेगा, अपना अपना दायरा सभी को पता है। आपको बता दें कि राखी करण को भी तेजस्वी से दूर रहने की सलाह देते हुए नजर आई हैं। दरअसल राखी का ये कहना था कि टीवी पर जो ये प्यार मोहब्बत वाली चीजें दिखाई जा रही हैं, अगर तुम्हारे बीच रिश्ता सही नहीं रहा तो ये तेजस्वी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। लेकिन राखी की ये बात न सिर्फ मुद्दे से भटकी बल्कि कहीं और ही पहुँचती नजर आई है, जहाँ अभिजीत बिचकुले ये कहते हुए सुनाई दिए हैं कि तेजस्वी बिल्कुल गलत है, अगर उनका बॉयफ्रेंड बाहर है तो उन्हें करण के साथ रिलेशनशिप नहीं बनानी चाहिए। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बिग बॉस के घर में इस समय तेजस्वी के बाहर के बॉयफ्रेंड का मुद्दा गर्म हुआ है और हर सदस्य इसी बारे में चर्चा करता हुआ नजर आया है। बिग बॉस से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुँचाएं।